आप तो बोलिए सर, आप कैमरा मत। कहते हैं कि शिक्षा इंसान को सभ्य और शिष्टाचारी बनाती है, लेकिन शिक्षा के इस मंत्र को कुछ शिक्षा अधिकारी खंडित कर रहे हैं। जब खुलेआम खंडवा के शिक्षा अधिकारी पत्रकारों से असभ्य व्यवहार करेंगे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खंडवा शहर पत्रकारों को कितनी इज्जत देगा। क्या इस पद पर रहकर इसकी गरिमा को गिराया नहीं जा रहा है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उंगली दिखाकर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी के खिलाफ पत्रकार संघ ने शिकायत दर्ज की है। जिले में लगातार कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार जैसी घटनाएं घटित हो रही है, जिसको लेकर पूर्व में मध्य प्रदेश मीडिया संघ द्वारा एक खंडवा पत्रकार संघ द्वारा ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र के द्वारा अवगत कराया गया, लेकिन अभी भी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहे हैं। नहीं बोली। आपको बता दे कि गत दिवस जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा खंडवा के पत्रकार शुभम लाड़ जिला ब्यूरो एवं शेख रेहान जिला ब्यूरो को शिक्षा अधिकारी द्वारा कवरेज के दौरान अब शब्दों का इस्तेमाल कर कैमरा छीनने का प्रयास किया, कवरेज करने से रोका गया। इस घटना के बाद जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के अध्यक्ष एवं खंडवा पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं सामने क्यों आ रही है? क्या सरकार, कमलनाथ सरकार, क्या कड़ी कार्रवाई करेगी या फिर इस पर लेपापोती कर मामले को टालने की कोशिश की जाएगी? न्यूज इंडिया A9 से शुभम सिंह राठौर की रिपोर्ट। Thank you.